और 15 साल का महापाप और कुकर्म और दुष्कर्म, पंद्रह साल में आप ठीक नहीं कर पाए। इस हालात को पहुंचाने में आप दोनों भाइयों की भूमिका, आपने तो और भी बदतर कर दिया लोगों के पलायन को, सारी संस्थाएं चौपट कर दी, उद्योग की, एजुकेशन की, अस्पतालों की, आम लोगों की जरूरत की, किसानों की, रोजगार की। आज भी 15 साल पूर्व की यादें आप याद दिलाओगे, 15 साल आपने क्या किया इसकी चर्चा नहीं होगी, 15 साल पूर्व में क्या हुआ। मैं आपसे, बिहार की जनता, आप 15 साल में आपने लाखों करोड़ों मजदूरों को बिहार से बाहर, दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र में, देश के अन्य हिस्सों में गाली सुनने, लाठी खाने, लात खाने को मजबूर किया, युवाओं को रोजगार के सवाल पर गाली सुनवाई, छात्रों की जिंदगी हराम कर दी, सारी इकोनॉमी बाहर में दे दी हमने, और हम 15 सालों में बिहार की दुर्गति कर दी। और इस हालात के बाद भी यदि आपके डिप्टी सीएम इससे बड़ा निकम्मा, कमजोर, ये बेशर्म है, इन्हें शर्म नहीं आता, ये जो आदमी कंकड़बाग की जिंदगी हराम कर सकता है और पटना की, ये कनगोजर है, दूसरों की बैसाखी के सहारे राजनीति करने वाले और सिर्फ गाली देके राजनीति करने वाले। ऐसे लोग हाफ पैंट पहन के पानी में परिवार को लेके भाग जाने वाले सुशील मोदी जी, पड़ोसी का भी नमस्कार नहीं लिया और अपने घर में भी खाना नहीं पहुंचा सकने वाला व्यक्ति, जो पटना में 19 दिनों में पटना की दुर्गति में घर से ना निकला हो और पटना के हालात बनाने में इन लोगों की भूमिका, सिर्फ सियासत राजनीति, ऐसे लोगों से बिहार की जनता निजात चाहती। कल ये बधाई दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, शर्म नहीं आता, 1.25 महीने में गुजरात सूरत में कितने बिहारी पीटे, हरियाणा में, दिल्ली में, बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा बिहारियों को पीटा गया, लात मार के भगाए गए, मजबूर कर दिया गया बिहार जाने पर, 1 लाख से 1.5 लाख लोग पैदल गए, कितने लोगों की मौतें हुई, बिना पंखा गर्मी में लोग सो रहे हो, भूख से मर रहे हो, बिहार को बोझ समझ के 1.25 महीने के बाद ही नहीं याद आया। सबसे ज्यादा वोट बिहार की जनता ने बीजेपी को दी, क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है? ये अपनी जो भलाई टाल रहे हैं कि केरल से, महाराष्ट्र से, बंबई से, कलकत्ता से ट्रेन की शुरुआत करें, डबल इंजन की सरकार हो, क्या हो गया डबल इंजन, जिसके वोट से राज कर रहे हो केंद्र में और बिहार में, आज वही बोझ लग रहा है, उन्हीं की जिंदगी को खत्म करने में लगे हो और कहता है ना हमारे पास साधन है, ना हमारे पास कोई, मैंने अभी तक कुछ तैयार किया, बस लूटने के लिए इन लोगों के पास पैसे, घोटाला करने के लिए। भागलपुर के सारे पैसे कहां गए मोदी जी? ये जो घोटाले हैं, चीट, कई घोटाले में जो पूरा का पूरा फंसे हुए हो, कहां गए? ये मेट्रो बनाने की जरूरत अभी क्या है? अभी किसानों को बीज और खाद की जरूरत है, मेट्रो अभी रोक दो, अभी बिहार के गरीबों को पहले
सही सलामत पहुंचाओ, और डबल इंजन मत करो। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, और एक मिनट भी कफन भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। एक मिनट भी बिहार में रहने का अधिकारी नहीं हो, विश्वासघाती हैं आप लोग। जनता को इस हालात में पहुंचाने वाले आप लोग गुनाहगार हैं, माफी नहीं मिल सकती। 3 तारीख के बाद यदि बिहार की जनता को ट्रेन और बस से आप घर नहीं पहुंचाए, तो एक बड़े महासंग्राम जनता कर्फ्यू और जनता के द्वारा होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज, जेड न्यूज, और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।